लेकिन उसके नींव के पत्थर तो वास्तव में हमारे सफाई कर्मचारी हैं, और सफाई कर्मचारियों को दीपावली के इस पूर्व जब अब कल परसों से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हम सबसे पहले सम्मान देने का काम सफाई कर्मचारियों का कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर आप सबको सबसे पहले बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं आप सबके प्रति, आपके परिवार वालों के प्रति। वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए कि एक मनुष्य होने के नाते समाज की संवेदना का पात्र जिस सफाई कर्मचारी को बनना चाहिए था, वास्तव में आजादी के बाद उसे वह सम्मान नहीं मिल पाया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को, यानी आज से 10 वर्ष पहले, देश के अंदर पूरे देश की आत्मा को झकझोरने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से भी स्वच्छता के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना था और उसके साथ सहभागी बन करके इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि सफाई का कार्य के साथ साथ खुले में शौच भी न हो, इसके लिए हर घर में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए। सार्वजनिक स्थानों पर ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। परिणाम क्या रहा कि नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और समाज का वातावरण में स्वच्छ और सुंदर देखने को मिला, और आज उसका लाभ हर तबके का व्यक्ति ले रहा है। समाज की छवि भी अच्छी हुई है, सबको इसका लाभ आज दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता के प्रति, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन एक मील का पत्थर साबित हुआ और इसने हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। पर्व और त्योहार के पहले वैसे भी हर घर में सफाई होती है, पुताई होती है। स्वाभाविक रूप से उसका जो वाहक है, यह कार्यक्रम अपनी सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर सके, इसके लिए सफाई कर्मचारी का सम्मान आवश्यक है। नगर निगम गोरखपुर को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वच्छता के वाहक, नींव के पत्थर, इन सफाई कर्मचारियों को इस अवसर पर पर्व और त्योहार के पहले, ठीक पहले, इनका स्मरण किया, आज उन्हें सम्मानित किया। और सम्मानित करने के साथ ही यहां पर सभी महानगर के अंदर सभी सफाई कर्मचारियों को इसी प्रकार का सम्मान नगर निगम के द्वारा, महापौर के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, पूरे नगर निगम बोर्ड के द्वारा, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा इसी प्रकार से दिया जाएगा। इस विश्वास के साथ कि जो कार्य गोरखपुर नगर निगम कर रहा है, यही कार्य अन्य नगर निकाय भी करें, प्रदेश भर के नगर निकाय करें, जिससे पूरे प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें मदद मिल सके। दीपावली हर्षोल्लास का हमारा पावन पर्व है, हम खुशी मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव का आनंद तभी है जब स्वच्छता रहेगी। स्वच्छता के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हम हिस्सा बनेंगे, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मैं भी, मेरी भी अब सहभागिता होगी, पूरा सहयोग करूंगा। मेरे स्तर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई गंदगी नहीं फैलाई जाएगी, या गंदगी
चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे वह किसी अन्य प्रकार से हो, वह किसी भी रूप में समाज के बीच में वातावरण जिससे खराब हो, इस प्रकार का माहौल किसी को बनाने नहीं देना है। और इस कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ वर्ष पहले तक हम गोरखपुर महानगर के अंदर बरसात के समय एक बरसात पड़ जाती थी, पूरा गोरखपुर महानगर जल प्लावित हो जाता था। अब गोरखपुर में एक दिन